जय हिंद जय भारत दोस्तों, मैं अजीत फौजी सुंगरपुरिया, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ओम स्पोर्ट्स अकेडमी। तो शाम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक UHQ इनरोलमेंट यूनिट हेडक्वार्टर कोटा की भर्ती के बारे में, और ये भर्ती करेगा 1 EME सेंटर सिकंदराबाद। EME का फुल फॉर्म होता है दोस्तों इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ये जो भी अपने आर्मी के अंदर जितने भी वेपन हैं, गाड़ी हैं, इन सब के जो टेक्निकल ट्रेड के बंदे होते हैं वो इसमें होते हैं, कोर में, और GD ट्रेड के बंदे भी होते हैं इसके अंदर गार्ड ड्यूटी के लिए। तो दोस्तों, इस सेंटर की भर्ती आ चुकी है। इसके दो सेंटर हैं, 1 EME सेंटर है सिकंदराबाद में, जो हैदराबाद और सिकंदराबाद सभी तेलंगाना में पढ़ते हैं ये मिले हुए हैं, और उसके बाद 3 EME सेंटर है भोपाल के अंदर। तो ये दोस्तों जो भर्ती है ये 1 EME सेंटर की है, और ये 16 नवंबर को लेटर जारी कर, और ये जो दिसंबर का एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर उसके अंदर भी ये भर्ती आई हुई है, और मैंने कल ही फ़ोन करके सेंटर में कंफर्म की है, ये भर्ती कंफर्म है, होनी निश्चित है। तो जो भी मेरे भाई इस भर्ती में जाना चाहते हैं वो इस भर्ती के लिए जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस भर्ती के लिए कई बार अटकलें लगा रहे थे कि कैंसिल होगी, लेकिन कैंसिल नहीं है, भर्ती कन्फर्म है दोस्तों। तो जो भी भाई हैं ये लेटर जारी कर, सभी जितने भी कमांड हैं, कोर्ब हैं, डीव हैं, हेडक्वार्टर जो बेसिस ब्रांचेज हैं, जितने भी स्टेशन हेडक्वार्टर हैं, RO BRO जो जिला सैनिक बोर्ड वेलफेयर सेंटर, IRO BRO जितने भी लोकल यूनिटें हैं, सभी को ये लेटर जारी कर सूचित किया गया इस भर्ती के बारे में। और ये भर्ती जो है 1 EME सेंटर सिकंदराबाद के अंदर 4 जनवरी से लेकर 28 फरवरी, यानी 28 फरवरी 2021 को इसका रिटर्न होना निश्चित है। जो कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम बोलते हैं वो फाइनल रिटर्न टेस्ट वो होएगा इसका 28 फरवरी 2021 को, और ये भर्ती 4 जनवरी 2021 से शुरू होगी। तो इस भर्ती के बारे में बताया गया है, जिसके भी भाई या फादर, जितने भी एक्स सर्विसमैन हैं या सर्विसमैन हैं, जो भी इस भर्ती में जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। साथ में इसमें ट्रेडमैन की भर्ती भी है, सोल्जर GD की भी है, सोल्जर टेक्निकल की भी है, और सोल्जर टेक्निकल एविएशन की भी है। और इसके अंदर वैकेंसी भी, जो सोल्जर ट्रेडमैन की वैकेंसी बता रखी हैं, और इसके अंदर गेम की भर्ती भी, आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन की, लेकिन इसमें सभी गेम नहीं है दोस्तों, याद रखना, ये बता रखे हैं जो गेम हैं उन्हीं के ही खिलाड़ी जाएं, वो नेशनल के भी हो सकते हैं और स्टेट के भी, जिनके पास भी सर्टिफिकेट है, लेकिन सर्टिफिकेट 2 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। और जो GD के लिए शर्तें होती हैं स्टेट के लिए, वही शर्तें स्पोर्ट्समैन के लिए लागू हैं। तो अभी बात कर लेते हैं इसकी पूरी डिटेल से। तो ये भर्ती 4 जनवरी से शुरू होएगी, 1 EME सेंटर सिकंदराबाद इस भर्ती को करेगा, और ये जो भर्ती है सोल्जर टेक्निकल एविएशन, सोल्जर टेक, सोल्जर GD और सोल्जर ट्रेडमैन और आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन। आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन में क्या है, एक गेम होता है कैकिंग। कैकिंग क्या है, ये पानी का है, जो बोट वगैरह चलाते हैं पानी के ऊपर पैडल से, और उससे जो डबल पैडल होती है इनके अंदर, और साथ में वो पलटा सा होता है उसके लिए, उसी में एक और हिस्सा होता है नोइंग का, और एक होता है रोइंग का। ये जो है नोइंग और रोइंग, ये भी पानी के ही गेम हैं, जो नौका के हैं ये, इसमें कई बंदे और सिंगल बंदे ऐसे मिलकर चलाते हैं, तो ये सभी पानी के हैं। तो जो भी मेरे भाई इन्होंने जिनके पास भी सर्टिफिकेट हो जा सकते हैं। उसके बाद है एक्यूटिक्स, ये है पानी का है ये भी, ये जो बंदा जो स्विमिंग करते हैं, जो डाइवर गोताखोर होते हैं, उनकी पानी की जो पोजीशन होते हैं अलग अलग प्रकार से, जैसे बटरफ्लाई है और है इस प्रकार से, जो अलग अलग पोजीशन से तैरते हैं उनका भी ये इस भर्ती में जा सकते हैं, जो भी मेरे भाई हैं। उसके बाद वॉलीबॉल के प्लेयर हैं, जो वॉलीबॉल के प्लेयर हैं वो भी यहाँ पर जा सकते हैं। बस यही गेम है, इसमें 4-5 गेम जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं, चाहे गेम का हो, चाहे टेक्निकल ट्रेडमैन किसी GD का या ट्रेडमैन का, सभी के लिए बता रखा है। ये जो 4 ट्रेनिंग बटालियन के पास में कोटेश्वर मंदिर गेट है, उस पर पहुंचना है 0600 आवर्स को 4 जनवरी को, 4 जनवरी 2021 को सुबह 6 बजे इन सभी को, भर्ती देखने वाले बंदों को 4 ट्रेनिंग बटालियन के पास कोटेश्वर मंदिर गेट पर पहुंचना है। ये दोस्त ध्यान देना यहाँ पर। और ये बताया गया कि ये लेटर इसलिए पहले जारी किया गया इतने दिन, ताकि लड़के जो हैं अपने डॉक्यूमेंट वगैरह अच्छी तरीके से तैयार कर सकें, उनमें भर्ती को कोई भी लगातार कंटिन्यू जारी रखा जा सके, किसी को भी रिजेक्शन वगैरह ना दिया जा सके।
स्क्रीनिंग वगैरह में कोई दिक्कत नहीं हो। तो जो भर्ती का शेड्यूल जारी कर बताया गया कि 4 जनवरी 2021 से भर्ती शुरू होगी। इसमें सबसे पहले चाहे वो कोई भी है, सबके लिए प्री हाइट चेक की जाएगी जो उनके ट्रेड के मुताबिक लागू है, और उनके प्री डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे। उसके बाद बता दें कि इसके बाद फिजिकल टेस्ट होएगा, जिसको PFT बोलते हैं, फिजिकल फिटनेस टेस्ट। इसके अंदर आपकी दौड़, रनिंग, बीम और ये चीज़ें होती हैं। उसके बाद आपका जो फिजिकल मेजरमेंट PMT बोलते हैं, हाइट, वेट, चेस्ट मापे जाएंगे। उसके बाद आपके फिर डॉक्यूमेंट दोबारा से डिटेल से डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे, एक एक डॉक्यूमेंट। उसके बाद आपको जो है RMDS नंबर इशू किया जाता है मेडिकल से पहले। उसके बाद आपका प्राइमरी मेडिकल होगा, रिव्यू केसेस जिन लड़कों के पॉइंट वगैरह बनेंगे, या फाइनल उधर ही रिव्यू होता है वो। उसके बाद जिनके भी क्लियर हो जाएंगे मेडिकल वगैरह में और फिजिकल में क्लियर होने के बाद, आपको एडमिट कार्ड इशू किया जाएगा, और जिसका रिटर्न जो टेस्ट है कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम, ठीक है, ये जो एग्ज़ाम है 28 फरवरी 2021 को होना निश्चित है सभी ट्रेडमैन का। और ये जो भर्ती है सोल्जर टेक्निकल एविएशन की, ये भी पूरी भारत के सभी राज्यों के लिए है। इसमें कोई भी बंदा जिसके पास रिलेशन है, चाहे वो किसी भी ग्रुप का है आर्मी के, वो जा सकता, सभी के लिए वैकेंसी अवेलेबल हैं। उसके बाद सोल्जर टेक्निकल की भर्ती, जो साइंस साइड से लड़के PCM से प्लस टू कर लेते हैं, वो भी भारत के किसी भी राज्य से हों, ताल्लुकात किसी भी जाति से ताल्लुकात रखते हों, बस उनके पास रिलेशन होना चाहिए, वो भी जा सकते हैं, उनके लिए भी वैकेंसी हैं। जो सोल्जर GD के लिए हैं वो भी पूरे भारत के सभी राज्यों के लिए हैं, ठीक है। जो लड़के सोल्जर GD की भर्ती 10वीं पास लड़का देख सकता है, जो सोल्जर एविएशन और जो उसके लिए है टेक्निकल के लिए, ये प्लस टू पास होना चाहिए PCM से। उसके बाद जो सोल्जर GD 10वीं पास, ये भारत के सभी राज्यों से रिलेशन वाले बच्चों के लिए, ये सिर्फ याद रखना भाई। जो सोल्जर ट्रेडमैन है, सोल्जर ट्रेडमैन में बता रखा, जो सेफ्टी हैं, जो कुक वगैरह रसोईया जिसको बोलते हैं, उसकी 12 वैकेंसी हैं पूरी, सभी इसमें सभी स्टेटों के बच्चे आ जाएंगे, सभी सेंटरों के। तो इसके अंदर 12 वैकेंसी हैं टोटल, बता दिया है वैकेंसी पहले ही। और सोल्जर ट्रेडमैन में एक जो है स्टेवर्ड होता है, ये प्रबंधक बोलते हैं इसको, खिदमतगार भी बोलते हैं उसको, तो उसके लिए भी, ये भी पूरे सभी ऑल स्टेट के लिए है ये, और इसकी 3 ही वैकेंसी हैं टोटल इस सेंटर में। तो जो मेरे भाई ट्रेडमैन की जो भी देखने जा रहे हैं वो भी, पर यहाँ पर ये लेटर में तो ये तो बताया नहीं गया, म्यूजिशियन वगैरह के लिए तो कुछ बताया नहीं यहाँ पर, कि नहीं उसमें एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में निकला, और ना इस लेटर में जो सेंटर ने जारी किया है कि म्यूजिशियन की होगी या नहीं होगी, तो शेड्यूल में तो है नहीं। उसके बाद जो आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन का ज़रूर बता रखा है कि बंदा नेशनल, इंटरनेशनल या स्टेट लेवल का, जिनके पास भी सर्टिफिकेट है जो 2 साल से पुराना नहीं है, वो ऑल इंडिया के, पूरे भारत के सभी राज्यों से सभी जाति के लड़कों के लिए वैकेंसी अवेलेबल हैं, जो सोल्जर GD में ही भर्ती देखते हैं ये गेम वाले बंदे, और उनके लिए जो उनके स्टेट की सोल्जर GD की जो हाइट, वेट, चेस्ट लागू होता है वही उनके लिए रूल है दोस्तों। तो जो भी मेरे भाई स्पोर्ट्समैन से भर्ती देखना चाह रहे हैं, लेकिन इसमें गेम बता दिए थे आपको, 4 ही 5 ही गेम है ये, एक तो कैकिंग है, एक नोइंग है, एक रोइंग है, एक एक्यूटिक्स है, स्विमिंग है, डाइविंग है, और वॉलीबॉल वगैरह है। ये जो 3-4 गेम है इनके जो लड़के हैं वो जा सकते हैं यहाँ पर। और बता दिया जो भी मेरे भाई रिलेशन वाले बच्चे हैं वो यहाँ पर जाएँ, जो भी GD में या रिलेशन किसी का भी हो, किसी भी ग्रुप का हो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर भर्ती देख सकते हैं दोस्तों। इस सेंटर में छूट है, लेकिन ज़्यादातर फर्स्ट प्रायोरिटी तो अपने सेंटर को ही मिलती हर जगह ही, यही रूल है। उसके बाद जो हमारा एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ का, मैं अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, आप उसको डाउनलोड कर देख सकते हैं। इसमें डॉक्यूमेंट का ही बता रखा है कि आपको जो मेडिकल सर्टिफिकेट लेकर जाना है, नो रिस्क सर्टिफिकेट लेकर जाना है, उसके बाद क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, पूरी की पूरी इसमें PDF है, वो आप देख सकते हो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ की, उसमें निकला हुआ है। और एफिडेविटों के फॉर्मेट भी दिए हुए हैं इसमें कि कौन सा कौन बनाएगा उस एफिडेविट को, कैसे बनेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें एज कट ऑफ का भी बता रखा है दोस्तों। एज कट ऑफ है जो, अभी मैं आपको बता देता हूं, जो सोल्जर टेक्निकल एविएशन के लिए जो भर्ती देख रहे हैं उनके लिए एज जो लिमिट दी गई है वो है बिफोर 1 अक्टूबर 1997, लोअर लिमिट जो है 1 अक्टूबर 2002, इसके बीच में होना चाहिए जो भी सोल्जर टेक्निकल एविएशन से देखेंगे, और जो सोल्जर जनरल ड्यूटी के लिए जो देखेंगे, और ये सोल्जर टेक्निकल और एविएशन इन दोनों के लिए यही एज है, 1 अक्टूबर 1997 से 1 अक्टूबर 2002 के बीच होना चाहिए।
उसके बाद जो सोल्जर जीडी के लिए देखेंगे वो 1 अक्टूबर 1999 से 1 अक्टूबर 2002 के बीच होना चाहिए, और जो सोल्जर ट्रेडमैन है उनके लिए 1 अक्टूबर 1997 से 1 अक्टूबर 2002 उनके लिए भी ये एज कट ऑफ रखी गई है। और आपको बता दिया जो सोल्जर एविएशन और टेक्निकल के लिए प्लस टू पीसीएम से होना चाहिए, 50% मार्क हों, हर सब्जेक्ट में 40 नंबर हों, और जो सोल्जर जीडी के लिए 10वीं पास हो, ठीक है, और 45% अंक होने चाहिए इसके अंदर 10वीं के अंदर, ये ज़रूरी है। उसके बाद जो ट्रेडमैन है उसके लिए सिंपल 10वीं पास होना चाहिए और 33% अंक भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको बता दिया ये सभी स्टेटों की भर्ती हैं और आप जा सकते हो, पूरे भारत के लिए ये सेंटर है ईएमई का, जो भी रिलेशन के बच्चे हैं वो ये भर्ती देख सकते हैं, साथ में स्पोर्ट्समैन के बच्चे भी इस सेंटर में जा सकते हैं दोस्तों। तो बेस्ट ऑफ लक दोस्तों, जय हिंद, आपका भाई अजीत फौजी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें।